साथ में दोस्तों जब भी आप किसी भी कॉलेज से एडमिशन लेते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रहकर पढ़ना चाहते हैं, जो या फिर जो एग्जाम्स देने चाहते हैं। क्वालिटी एजुकेशन का मिलना दोस्तों आपका अधिकार है। कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जहां से आपने जुगाड़ से किया और उन यूनिवर्सिटीज ने दोस्तों, हालांकि डी फार्मेसी पर, बी फार्मेसी या एम फार्मेसी पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी, जहां पर इंफॉर्मेशन आपको मिलती हैं कि फीस कितनी होती है, एडमिशन कैसे लेंगे, एलिजिबिलिटी क्या है, ऐसी कई सारी चीजें, या फिर बेस्ट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज कौन सी होती हैं, क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, एम फार्मेसी को करने से पहले। ऐसी कई सारी वीडियोस हमने पहले आपके लिए बनाई है, आप उन वीडियोस को भी देखेंगे तो समझ पाएंगे क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। एग्जिट टेस्ट डी फार्मेसी में अब आ चुका है, उसके आने के बाद से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई है उन स्टूडेंट्स के साथ में जिन्होंने किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कोर्स कंप्लीट किया, या फिर कोर्स अभी कंप्लीट करने की सोच रहे हैं, या फिर एडमिशन लिया हुआ है। चाहे आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करें, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करें, चाहे फिर प्राइवेट कॉलेज से करें, कहीं से भी आप डी फार्मेसी करेंगे तो आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, और ध्यान आप नहीं रखेंगे तो आपके साथ बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ डी फार्मेसी, बी फार्मेसी करने के बाद भी। आप चाहे डी फार्मेसी करने की सोच रहे हैं, बी फार्मेसी करने की सोच रहे हैं, या फिर आप एम फार्मेसी करने की सोच रहे हैं, तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत काम का है। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, और साथ में अपने सजेशंस भी देना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ज्यादा कुछ जानने के लिए, कि डी फार्मेसी, बी फार्मेसी में क्या गलतियां आप बिल्कुल ना करें। बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों डी फार्मेसी करने से पहले या बी फार्मेसी करने से पहले बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं। सबसे पहले तो आप ये बात जान लीजिए कि कभी भी आप अगर फार्मेसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल इंडिया का जो एक एक्ट है, जिसको 1948 में जो एक्ट आया, जिस पर डिटेल वीडियो मैंने बनाई भी है अपने इस चैनल पर, पीसीआई एक्ट क्या बोलता है, आप उस वीडियो को देख लेना। अपने कॉलेज को, अपनी यूनिवर्सिटी को, जहां से भी आप कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, सबसे पहले पीसीआई की साइट पर जाके देखें। पीसीआई की साइट पर हो सकता है कोई कमेंट लिखा हो आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में, उसको भी आप ध्यान से पढ़ें, ऐसे ही एडमिशन ला लें। अगर आपका कॉलेज मान्य नहीं है तो प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। हो सकता है कि कॉलेज में कोई स्टे लगा हो कि वो एडमिशन फिलहाल नहीं ले सकते, तो ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन लेने से पहले आप बिल्कुल बचें, सोचें एक बार नहीं 10 बार एडमिशन बिल्कुल ना लें। दूसरी बात, शॉर्टकट में, दूसरा पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, शॉर्टकट में जो स्टूडेंट्स करने की सोचते हैं डी फार्मेसी, 2 साल का कोर्स है, मान लीजिए 5-7 महीने किसी ने बैक में एडमिशन दे दिया, चलो तो भी चलेगा, पर ये बैक डेट में लेने की जरूरत क्या है दोस्तों? 2 साल का कोर्स है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बैक डेट के चक्कर में आप मत पड़िए। तरीके से कीजिए, अपनी फीस को यूनिवर्सिटी में जमा कीजिए, रसीद लीजिए, एडमिशन लेटर लीजिए, ऑफर लेटर लीजिए, और जो भी कुछ आप डॉक्यूमेंट ले सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, एडमिट कार्ड भी लीजिए, साथ में ही जाकर जब आप एग्जाम देने गए नोड्यूज ले लो अपना, ऑनलाइन रिजल्ट देखो, सब तरह के प्रूफ्स आप अपने साथ रखिए, और 2 साल इतना लंबा टाइम नहीं होता है, शॉर्टकट के आप चक्कर में मत पड़िए। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि रजिस्ट्रेशन आपका होगा ही नहीं अगर आपने शॉर्टकट मार के कर लिया। क्यों? क्योंकि अभी आपने झारखंड में सुना होगा, झारखंड में बहुत बड़ा एक मामला सामने आया था जो डी फार्मेसी को लेकर ही था। आप कर लेंगे, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज क्या करती है कि सीट से भी ज्यादा, मान लीजिए 60 सीट्स का अप्रूवल है तो वो 100 या फिर 200 के आसपास स्टूडेंट्स के एनरोल कर लेते हैं, और जब रजिस्ट्रेशन कराने स्टूडेंट्स पहुंचते हैं अपने किसी भी काउंसिल में, जो उनके स्टेट काउंसिल है, तो वहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं होता, फिर उनको मना करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी से आपने किया है वैलिड नहीं है। तो आप पीसीआई भी देखें, शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े, वरना आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लेकर आने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। चौथा पॉइंट, एग्जिट टेस्ट दोस्तों आ चुका है डी फार्मेसी में। मैंने एग्जिट टेस्ट पर बहुत सारी वीडियोस बनाई है, आप वीडियोस को देखना, हमारे इस चैनल पर आपको मिल जाएंगी, क्योंकि हमने फार्मेसी को रिलेटेड सब चीजें कवर की हैं, तो पूरी इंफॉर्मेशन हर तरह से आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। एग्जिट टेस्ट आ चुका है, आप अगर बैक डेट से कर भी लोगे, किसी जुगाड़ से आपने डी फार्मेसी कंप्लीट कर भी ली, तो आप एग्जिट टेस्ट नहीं दे पाओगे, मतलब एग्जिट टेस्ट आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कि आप कहीं से भी 2 साल पूरे लगाएं, सिलेबस का ध्यान रखें, ताकि उसके बाद
आप एग्जिट टेस्ट भी दे सकें और वहाँ क्वालिफाई भी कर सकें। आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी किसी फार्मेसी शॉप पर काम करते हैं या जॉब करते हैं, उन्हें सब कुछ आता है, पर दोस्तों फिर भी मैं आपको बताऊं, थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल नॉलेज आपको लेनी चाहिए, आपके वो काम ही आएगी, किसी भी तरह से डिसएडवांटेज उसका नहीं है। साथ में दोस्तों, जब भी आप किसी भी कॉलेज से एडमिशन लेते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रहकर पढ़ना चाहते हैं जो या फिर जो एग्जाम्स देने चाहते हैं। क्वालिटी एजुकेशन का मिलना दोस्तों आपका अधिकार है। क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं होती है, पांचवा पॉइंट मैं आपको भी बता रहा हूँ कि क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलती नहीं है। कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले उसकी क्वालिटी देख लें, फैकल्टी मेंबर्स कैसे हैं ये देख लें, साथ में जो स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं उन्हें जॉब मिल भी पा रही है कि नहीं वो भी आप देख लें। साथ में अच्छा होगा अगर उसी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हॉस्पिटल्स भी हैं, हॉस्पिटल्स हैं तो वहाँ से एक्सपोजर आपको मेडिसिन का मिलेगा। जाएं फार्मासिस्ट के पास, जाएं कुछ बातें सीखें, कुछ बातें अपनी बताएं, उससे आपको बेनिफिट बहुत सारे दोस्तों मिलेंगे। क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलना चाहिए। जिस भी यूनिवर्सिटी, जिस भी कॉलेज में अच्छी एजुकेशन नहीं दी जा रही है वहाँ आप एडमिशन ना लें। अब छठा पॉइंट दोस्तों ये आता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जहाँ से आपने जुगाड़ से किया और उन यूनिवर्सिटीज ने सीट से भी ज्यादा लोगों को डिग्रियां बांट दी। अब आपकी डिग्री लग गई स्टेक पे, मतलब दांव पे लग गई। अब यहां पर आपके साथ बहुत प्रॉब्लम होगी। पहले शुरू में तो आपने ध्यान दिया नहीं, फीस सस्ती और बैक डेट के चक्कर में आपने डिग्री ले ली, अब आप परेशान हैं। वो डिग्री किसी काम की नहीं, कागज का टुकड़ा है, रजिस्ट्रेशन आपका होगा नहीं, तो इन बातों का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सातवें पॉइंट में आप जानिए कि कभी भी किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं, ऐसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ना लें जो पहले से ही स्कैम में हो, मतलब पहले से ही बहुत बदनाम हो, डिफेम यूनिवर्सिटी हो, पहले से ही उस पर कोई इंक्वायरी चल रही हो कि केस वेस चल रहे हो, ऐसी यूनिवर्सिटी में दोस्तों एडमिशन आप ना लें। अच्छी यूनिवर्सिटी का चयन करें, बेशक से फीस 1.5 लाख की जगह 2 लाख किसी यूनिवर्सिटी में हो या 2.5 लाख हो, थोड़ा बहुत मैनेज करके अपनी पॉकेट को थोड़ा सा और अलाउ करवा के आप अच्छी यूनिवर्सिटी से ही करें, वरना आपके साथ प्रॉब्लम होगी और कोई फायदा नहीं होगा कोर्स करने के बाद, क्योंकि जहां वैकेंसी के लिए जाओगे वहां पर भी आपको जॉब मिलेगी नहीं, बाहर निकाल देंगे। दोस्तों आप किसी भी तरह से कोई भी सपोर्ट चाहते हैं एडमिशन से रिलेटेड, जानना चाहते हैं अच्छी यूनिवर्सिटीज, अच्छे कॉलेजेस कौन से हैं, कंपेयर करना चाहते हैं किसी भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को दूसरी यूनिवर्सिटी से, तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको उसमें भी हेल्प जरूर करेंगे। साथ में कंसल्टेंट के थ्रू अगर आप कोर्स करते हैं, आठवां पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया आपने, डी फार्मेसी, बी फार्मेसी या एम फार्मेसी में एडमिशन लिया, किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन लिया, अक्सर ऐसा देखा गया है जो बैक डेट में करवाते हैं या फिर 2 साल बैक ले जाते हैं या फिर किसी भी तरह से एडमिशन करवाते हैं, आप पूरी फीस कंसल्टेंट के हाथ में दे देते हैं, जो गलत है, नहीं करना चाहिए आपको ऐसा। फीस आप सिर्फ यूनिवर्सिटी के अकाउंट में दें, कॉलेज के अकाउंट में दें, ताकि उसकी रसीद आपके पास हो, और अगर कल कंसल्टेंट से आपका कोऑर्डिनेशन ना भी हो या आपका कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है कंसल्टेंट से, तो सीधा जाकर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज से बात कर सके कि हमने फी पे की है, हमारी ये फी है, टोटल फीस आपके पास आ चुकी है, अब हमें नो ड्यूज दें और आपके एग्जाम्स में प्रॉब्लम ना हो। साथ में दोस्तों होता क्या है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस हैं, ये नोवा पॉइंट की दोस्तों बात कर रहा हूँ, टोटल 11 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, जो नोवा पॉइंट ये बोलता है कि कभी भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, जैसे ही रिजल्ट आ गया तभी रजिस्ट्रेशन करवा लें। डी फार्मेसी बहुत ज़्यादा हॉट सेलिंग एक कोर्स है दोस्तों, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस कोर्स को करना चाहते हैं, 2 साल में हो जाता है, अपनी कोई ना कोई अपनी शॉप खोल लेता है, मेडिकल स्टोर खोल लेता है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस पर हमने पहले भी वीडियो बनाई है। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन करवाया, जैसे ही आपका रिजल्ट आया रजिस्ट्रेशन करवा लो, वरना लास्ट में जब सीटें भर जाती हैं लगभग पूरी, जब किसी यूनिवर्सिटी के पास कुछ सीट्स वैकेंट होती हैं तो उस कोर्स पे वो प्रीमियम शुरू कर देते हैं। मान लो किसी यूनिवर्सिटी की 2.25 लाख फीस है, तो अब वो आपसे 2.5 लाख पौने 3 लाख फीस चार्ज करेंगे, 3 लाख भी चार्ज कर सकते हैं और आप लोग देते हैं, तो आप वेट किस बात का करते हैं समझ नहीं आता। आपको टाइम से एडमिशन ले लेना चाहिए, टाइम से एडमिशन ले लोगे सब कुछ आपका ठीक चलेगा। साथ में 10वें पॉइंट में दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी यूनिवर्सिटी से एडमिशन लें, सब तरह के एविडेंस, सब तरह के प्रूफ अपने पास रखें, फीस की रसीद रखें, एडमिट कार्ड रखें, ऑफर लेटर रखें, एडमिशन लेटर रखें, हो सके तो लाइब्रेरी कार्ड भी रखें, हर तरह से जितने भी एविडेंस आप रख सकते हो रखो। आजकल बड़ी दिक्कत चल रही है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन नहीं होता लोगों का, कोर्स तो लोग कंप्लीट कर लेते हैं, पीसीआई में जाते हैं, रजिस्ट्रेशन के नाम पर गड़बड़ कर देते हैं, फिर कॉलेज भी उनको एनओसी नहीं देता है। तो आप ये सब कुछ संभाल के रखेंगे, लड़ सकेंगे कम से कम अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, और आपके साथ कोई फ्रॉड या चीटिंग नहीं हो पाएगी। साथ में ही 11वां और लास्ट पॉइंट आज की वीडियो का, दोस्तों किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी से ही एडमिशन लें, किसी भी ऐसे कॉलेज से ही एडमिशन लें जहां आपको अच्छा एक्सपोजर मिले।
अच्छा प्रैक्टिकल करने को मिले, अच्छे अच्छे मेडिसिन पर आप स्टडी कर सकें, और बेटर होगा ऐसी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें जहां हॉस्पिटल्स भी चलते हों। हॉस्पिटल्स भी चलते हैं मतलब कि MBBS, BDS, BAMS, BUMS, BHMS ऐसे कोर्सेज जो यूनिवर्सिटी करवाती हैं, वहां एडमिशन लोगे तो अच्छा एक्सपोजर मिलेगा और आपके बहुत ज़्यादा दोस्तों काम आएगा। ये सावधानियाँ आपको बरतनी है, जहाँ पर ये चीज़ें नहीं है वहाँ पर एडमिशन बिल्कुल ना लें वरना आपके साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दोस्तों आपको अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों परिजन परिवार में ताकि वो भी जान सके फार्मेसी के बारे में क्या कुछ चल रहा है, और साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें इससे प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोस लाने के लिए हमें कॉन्फिडेंस मिलता है और ज्यादा काम करने के लिए प्रोत्साहन मिल पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।